मुख्यमंत्री विजयनगर स्थान बिलासपुर के अशोक वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 वर्षों के शासन में इतने भ्रष्टाचार किए कि समूचे छत्तीसगढ़ के संसाधन को लूट डाला, प्रदेश को घोटालों का गढ़ बना दिया। लेकिन आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो कभी मुलायम गद्दे में सोते थे, आज जेल की हवा खाने को मजबूर हैं। हमारी भाजपा सरकार घोटाले बाजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का डर सता रहा है, जिसको देखते हुए उनके नेता मोदी जी पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। तोखन साहू समझते हुए एक एक घर एक एक मतदाता के बीच में जाओ और हमार भारत सरकार मोदी जी के 10 साल के काम, हमारे 3 महीना के काम और 15 साल हमार भारतीय जनता पार्टी के काम, वो सब काम ला बताओ। आज कोई एक ऐसा घर हो ही जला भाजपा के सरकार के लाभ नहीं मिली से ही हो ही कोई ऐसा घर, एक भी घर नहीं मिले। सब घर ला कोई ना कोई फायदा, चाहे हमर भारत सरकार के, चाहे हमर अभी 3 महीना के काम के या 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के काम के फायदा मतलब मिली सो ही। आज 3 साल में हमन कई ठन वादा पूरा करे हन कि नहीं, मोदी की गारंटी में प्रधानमंत्री आवास 18 लाख के स्वीकृति होगी, 2 साल धान के जो बकाया बोनस रही किसान मन के, 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रूपया 25 दिसंबर के देह के काम करे हन, कितना किसान माला मिली से 2 साल के बकाया बोनस कमला मिली से 12 लाख से ज्यादा किसान माला मिली से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हन, 3100 रूपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे हन, अंतर की राशि आप माला मिली कि नहीं, तो हाथ उठावा कितना कितना झला मिली से, सबला मिली से एक मुस्त मिली से ना, 24,72,000 किसान मल्ला 13,320 करोड़ रुपया एक बार में एक मुस्त देह के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। हमारे महतारी मन एथी बैठी ने महतारी बंधन योजना की बात हो रही से, हमन 10 मार्च के पहला किस्त भेजे और कल दूसरा किस्त भेजे हन, कितना जन के खाता में पहुंची, सबके में पहुंच गई, आप पहुंच जाही कल भेजे हन 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के।